नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव ने की प्रेस वार्ता, शातिर हथियार तस्करी करने वालों का किया खुलासा। हथियार बनाने वाले कारखाने पर थाना देहात पुलिस व साइबर सेल भिंड का छापा, दो आरोपी गिरफ्तार, देशी कट्टे व औजार बरामद। पुलिस अधीक्षक भिंड असित यादव के मार्गदर्शन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक, नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी देहात निरीक्षक प्रदीप सोनी व साइबर सेल भिंड के संयुक्त नेतृत्व में जिला भिंड में अवैध शराब, अवैध हथियार व गुंडा बदमाशों व स्थायी वारंटियों की धरपकड़ की कार्यवाही जारी है। इसी तारतम्य में दिनांक 28 जनवरी 24 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सरसों के खेत ग्राम बिजपुरी में एक व्यक्ति कट्टा निर्माण करवा रहा है। सूचना पर आरोपी के खेत में थाना देहात पुलिस व साइबर सेल भिंड ने संयुक्त रूप से दबिश देकर कट्टा निर्माण कर रहे दो आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया है। कट्टा निर्माण कराने वाला आरोपी घटना स्थल से फरार हो गया है। गिरफ्तारशुदा आरोपी गणों के कब्जे से कट्टा बनाने वाला सामान जब्त किया गया है। उक्त आरोपी गणों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई। आरोपी खेत मालिक उक्त गिरफ्तारशुदा कट्टा निर्माण करने वाले आरोपी गणों को उत्तर प्रदेश से लाया था, जिनमें एक फरूरखाबाद व एक मैनपुरी जिले का होना बताया। सराहनीय कार्य निरीक्षक प्रदीप सोनी, दीपेंद्र यादव, उपनिरीक्षक विजय शिवहरे, रेखा मिश्रा, रविन्द्र मांझी, लक्ष्मण किशोर गुबरेले, प्रमोद तोमर सहायक उप निरीक्षक, सत्यवीर सिंह, नरेंद्र सिंह चौहान प्रधान आरक्षक, प्रमोद पाराशर, सतेंद्र यादव, महेश गुरुदास, सोनेंद्र, मनीष भदौरिया, केशव भदौरिया, धीरेंद्र भदौरिया, आरक्षक राहुल यादव, यतेंद्र राजावत, आनंद दीक्षित, भूपेंद्र राजावत, अनिल जाट, सुभाष तोमर, ज्ञानेंद्र मिश्रा, विष्णु तोमर, राहुल शुक्ला, ब्रजनंदन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंडिया न्यूज 28 के लिए कैमरामैन मुस्कान के साथ दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट। के रहने वाले हैं, उन्होंने अभी बताया कि वहाँ पे भी वो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहे हैं और कई बार अरेस्ट हो चुके हैं। तो उनसे संबंधित हम जो वहाँ पे जो भी इनके खिलाफ अपराध है उसकी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति जिसने उनको बुलाया उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है, उसको जल्दी जल्दी अरेस्ट करें। तो लगभग कुल कितना फैसला बरामद हुआ है? देखिए, अभी जो है टोटल 7 कट्टे बरामद हुए हैं जो बने हुए हैं और 2 अधबने हुए कट्टे हैं। इसके अलावा पूरे कट्टे बनाने की मशीन है, ये बता के 10 दिन में करीब करीब एक दिन में 2 कट्टे के हिसाब से बना लीजिए, 2 या 3 कभी कभी। तो अभी 10-12 दिन से ये भिंड में काम कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने किस किस को दिया है उसकी हम अभी PR लेंगे, उसमें हम बहुत पूछताछ करेंगे। तो इससे पहले भी कहीं इनका ऐसा कुछ रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि इससे पहले कहीं और भी फैक्ट्री उन्होंने लगाई हो? मैंने भी बताया ना आपको कि ये UP के रहने वाले हैं। यहाँ पे तो अभी जो इन्होंने बताया कि 2 बार आए हैं, पहले उससे पहले UP में इस प्रकार की गतिविधियों में अरेस्ट भी हो चुके हैं, वहाँ पे जेल में भी रहे, उनके खिलाफ प्रकरण भी बन जाए। लोकसभा चुनाव आने को तो आरोपी कितने? आरोपी अभी टोटल 2 अरेस्ट हो चुके हैं और एक जो जिसने बुलाया था उसका इनके नाम से हमने मेमोरी खोला है, 3 आरोपी। सर, लोकसभा चुनाव है तो क्या उसके मद्देनजर ये पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, देखिए अभी इसको इलेक्शंस में काफ़ी टाइम है, अभी उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे चंबल में भिंड मुरैना खास तौर से अवैध हथियार रखने का वो है, तो ये मेरे ख्याल से अभी हम पूरी पूछताछ करेंगे कहाँ कहाँ इन्होंने सप्लाई किया वो पूरी जानकारी। सर, किसका खेत था, किस में बनाई जा रही है? अभी जो नाम आया है वो टप्पे भदौरिया का आया है और उसमें बेसिकली हम और थोड़ा सा एक बार, क्योंकि गूगल लोकेशन है उस जगह की, एग्जैक्टली किसका नाम था, कौन बुला रहे थे, टेक्निकल इसमें हम वो भी वर्क करेंगे कि किस किस के संपर्क में ये लोग रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी आगे की योजना जानी है। सर, कोई राजनीतिक समीक्षा नहीं किसी प्रकार का, कोई इस तरह के लोगों का कोई ऐसा मैटर? इस पूरे मामले को पुलिस ने किस तरह ट्रेस किया था? नहीं, मैंने बताया ना कि जैसे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और क्योंकि पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे खेत में आ रही है, तो अब जो पुलिस टीम ने बड़ी सतर्कता से गई वहाँ पे, नहीं तो आदमी के भागने की संभावना रहती है, तो जब इनकी आवाज़ सुनाई थी कुछ टक करने की तो चुजाव के उसे घेर लिया, फिर दोनों आरोपी पकड़े। आरोपी नाबालिग है? नहीं, बालिग है। सब SI गुबरेले, SI प्रमोद तोमर, TSI साइबर के सतीश सिंह, नरेंद्र चौहान, प्रमोद पराशर, सत्येंद्र यादव, महेश गुरु, सोनेन, मनीष, केशव, धीरेन, राहुल, जतिन रजावत, आनंद दीक्षित, भूपेन रजावत, अनिल जाट, सुभाष तोमर, ज्ञाने मिश्रा, विष्णु तोमर, राहुल शुक्ला,
और ये जो ब्रजनंदन है इनके द्वारा ये सराहनीय भूमिका निभाएगी, तो ये सब जो कार्रवाई हुई है उसमें इन लोगों को हम पुरस्कृत भी करेंगे। संचालित हो रही है, देखिए अभी जो प्रिलिमिनरी जांच से मिली है कि जानकारी है, इन्होंने बताया 10 से 12 दिन से कर रहे थे, इसके बाद अभी इंटरोगेशन का टाइम आएगा तो बाकी हम इनका टेक्निकल एक्ट उससे देखेंगे कि यहाँ पे कब कब आए, उस समय कहाँ पे रुके हैं, किस किस को इन्होंने जो हथियार दिए हैं इसका भी, और उसके बाद भी जो आगे की कार्रवाई है वो हम पूरी करेंगे। अपने आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड कितने अपराध दर्ज हैं? देखिए अभी इन्होंने जैसे बताया कि यूपी और उधर यूपी में फरुखाबाद और मैनपुरी में कई बार अरेस्ट हो चुके हैं, तो जो जिले हैं किशनी का रहने वाला है तो वहाँ से जो संबंधित थाने से इनका रिकॉर्ड मंगवाएंगे, अगर वहाँ पे हो सकता है हिस्ट्री शीट भी हो इनका, पूरा डिटेल जो एनालिसिस है वो जैसे जैसे टाइम होगा पूरा। अभी इसमें टोटल अभी दो जो है बनाने वाले थे और एक जिसको बता रहे हैं कप्पे भदौरिया जो इनको लेके आया था, याद जो कप्पे भदौरिया है इसपे यहाँ पे जो हमारे देहात थाने में इसपे अभी जो 23 अपराध है जिसकी सूची हमारे पास है, इसमें आप 327, 506, 2000 में, 2003, 2004, 5, 6 में कई सारे अपराध थे, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17 तक इसमें अपराध रहे हैं, और इसके बाद हो सकता है कि अन्य थानों में रहें तो उसकी आइडेंटिटी गूगल लोकेशन दे रहा है, तो गूगल लोकेशन गाँव में इतनी पिन पॉइंटेड नहीं होती, धीरे धीरे जैसे अपनी पुलिस से समझ। वहाँ से कट्टा निर्माण करने वाला एक आरोपी जिसका खेत भी है शायद, तो उसको अभी हम गूगल लोकेशन से चेक करवाएंगे कि क्या है, तो कुछ वो बराबर होंगे। गिरफ्तार शुदा आरोपी का अनुसार कब्जे से कट्टा बनाने वाला सामान जब्त किया गया है और इनके खिलाफ अपने देहात थाने में आम तरह की कार्रवाई की गई है। आरोपी खेत मालिक गिरफ्तार शुदा कट्टा निर्माण करने वाले आरोपियों को उत्तर प्रदेश से लाया था, जिसमें एक फरुखाबाद का एक मैनपुरी जिले का बताया गया है। जो ये आरोपी हैं इनमें पूर्व में भी वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के दो जिले फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी कई बार इन्होंने गिरफ्तार हो चुके हैं, जो इन्होंने अभी प्रिलिमिनरी जांच में बताया है। इसमें जो हमारा सामान जो बरामद हुआ है इसमें 315 के 7 कट्टे और 2 अनबने कट्टे हैं, इसके अलावा एक ड्रिल मशीन बड़ी, एक ड्रिल मशीन छोटी, 2 पकड़ मशीन, 3 पन्नर, 4 पन्नर पत्ती, 2 रेगमाल, 1 प्लास, 1 ग्रुप मेकर, 1 हथौड़ा, 1 छोटी आरी, 10 घोड़ा, 1 भट्टी ब्लोअर, 5 लोहे की पत्तियां, छोटे पाइप लोहे के, 4 बड़ी पाइप, 3 गली 315 की, 1 लोहे की सरासी, पतला तार, स्क्रू, 1 डिपी, 5 ट्रिगर पत्ती, 2 छेनी बड़ी, 1 छेनी छोटी, 1 स्प्रिंग और 1 रेतमाल बोल ये मिला। ये पूरी कार्रवाई जो थी ये हमारे यहाँ पे जो देहात निरीक्षक है